सिंपल और चटपटे आलू फ्राई बनाने के लिए आपको चाहिएंगे 2 उबले हुए आलू, करी पत्ते और लहसुन। पहले हम 1 चम्मच घी डालेंगे और फिर 1 चम्मच तेल डालेंगे। गरम होने के बाद हम जीरा डालेंगे और 1 चम्मच राई डालेंगे। फिर हम कूटा हुआ लहसुन डालेंगे और उसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं लहसुन पूरा पक चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और धनिया पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें करी पत्ता डालेंगे और थोड़ा फ्राई करके और नमक ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से पकाएंगे। फिर हम इसमें उबले हुए 2 आलू डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो। मैं इसमें हल्का सा चटपटा करने के लिए थोड़ी तीखी मिर्ची और डाल रही हूँ, जस्ट रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक के रखेंगे और आपके आलू फ्राई तैयार हैं।